ଆସିବ ନୋଏଡା ସେକ୍ଟର 93 ଏଥିରେ ଥିବା ଟ୍ୱିନ୍ ଟାୱାର ଏହି 32 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାକୁ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଲାଗିବ ମାତ୍ର 12ରୁ 13 ସେକେଣ୍ଡ ତେବେ ଏହି କୋଠାର ଧ୍ୱଂସକୁ ନେଇ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସୁକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି କାଉଣ୍ଟଡାଉନ 3700 କିଲୋ ବିସ୍ଫୋରକରେ ଟ୍ୱିନ୍ ଟାୱାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯିବ ଦିନ 2:30ରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି ଏକାଧିକ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମ ଓ ଅନୁମୋଦନକୁ ଅଣଦେଖା କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ଭାବରେ ନୋଏଡାର ସେକ୍ଟର 93 ଏରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏହାର ଭଙ୍ଗା ନେଇ ଏନ୍ଓସି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟଙ୍କ ସବୁଜ ସଂକେତ ଏବଂ ମିଳିବା ପରେ ମାଟିରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହାକି ଆଜି ବାସ୍ତବତା ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି की हैं 4 रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता झेल सकती हैं और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि जब ये इमारतें गिरेंगी तो जो आसपास की इमारतें हैं उनमें मामूली दरार पड़ सकती है। इससे पहले आपको बता दें जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सारे पिलर्स का मुआयना किया था और मुआयना करने के बाद ये पाया कि कुछ पिलर्स जो है वो कमजोर थे। तो सुपरटेक वही बिल्डर जो कि यहां सवालों के घेरे में है जिसकी ये इमारत है जिसका ये पूरा कैंपस है उसके खर्चे पर उन इमारतों को मजबूत कराया गया उन पिलर्स को मजबूत कराया गया क्योंकि यह बहुत बड़ा खतरा भी है। आपको बता दें राम कि भारत में इससे बड़ा डेमोलिशन आज तक कभी नहीं हुआ है। अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए खाते में जाएगा लेकिन बाकी जो बायर यहां के हैं उनको नुकसान स्वाभाविक तौर पर हुआ है। और यह इमारत जिसकी हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में ब्रह्मा भी बता रहे थे कि यह जो व्यवस्था है यह उन्होंने अपनी आंखों के सामने खड़ी होती हुई देखी है और फिर जब सर्वोच्च अदालत ने निर्देश दिए इसके बाद यह डिमोलिशन हो रहा है। यह बड़ी कवरेज यह मेगा कवरेज इस वक्त चल रही है जी न्यूज पर लगातार आपको हम ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे एक एक डिटेल आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है तुरंत हाजिर होते हैं। କାଉଣ୍ଟଡାଉନ ସୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ इस कुछ घंटों के बाद भ्रष्टाचार की गगनचुंबी इमारत ध्वस्त कर दी जाएगी मगर आखिरी क्षणों में यहां पर सुपरटेक और एटीएस में रहने वाले लोग अब इस इमारत के आसपास आकर के उसे आखिरी क्षणों में देख रहे हैं और इस इमारत के साथ में सेल्फी ले रहे हैं यहां पर फोटोग्राफी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त एटीएस और सुपरटेक के रेजिडेंट हैं ये सारे लोग यहीं पर रहते हैं। अब जबकि कल ध्वस्त कर दिया जाएगा ऐसे में ये लोग आकर के आखिरी पलों में इसे देख लेना चाहते हैं यहाँ पर फोटोग्राफ ले लेना चाहते हैं। आप लोग यहाँ पर मैं देख रहा हूं क्या करके फोटोग्राफी कर रहे हैं सेल्फी ले रहे हैं क्या कहना चाहेंगे आखिरी क्षणों में 2 दिन के लिए आप लोगों को यहां का खाली भी करना पड़ रहा है। हम सबको यही लग रहा है कि आप खाली करके जाना है और सबसे बड़ा काम है और सबसे भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह ये जो गिरे तब किसी को नुकसान ना हो। कोई प्रार्थना आप भी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जब हम वापस अपने घर में आए तो हमें सब कुछ ठीक ठाक मिले हमारे टीवी ना टूटे हुए हो हमारे खिड़की। प्रार्थना की बात होगी चिंताएं आप लोगों की क्या है? चिंताएं ऐसे खास नहीं है क्योंकि हमें अपने प्रशासन पर और जो यहाँ पे इतने 6 महीने से लगे हुए थे सब लोग उन पर बहुत विश्वास है बहुत मेहनत के साथ उन्होंने काम करा है। मैं लगातार देख रही थी दिन रात वो लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं मुझे प्रशासन मगर पूरा फिर भी जो वाइब्रेशन होगा जो कंपन होगी जैसे ये इमारत बिल्कुल सटी हुई है 9 मीटर कहा जा रहा लेकिन मुश्किल से 5 मीटर की दूरी पर होगी आप तो आप उनके लिए अगर ये बिल्डिंग गिरती है या कुछ होता है तो कुछ तो चिंताएं होंगी आप लोगों की? नहीं चिंताएं तो है लोग वो लोग मेंटली प्रिपेयर उस चीज के लिए प्रिपेयर भी हैं काफी बट देखते हैं उसको क्या होता है सब कुछ अच्छा आप लोग जी प्रिकॉशंस भी लिए हैं सब सामान निकाल रहे हैं इसलिए कि लौट के आए तो पता नहीं घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। कीमती सामान तो सारा साथ लेके जा रही हूँ। हाँ सब कीमती सामान निकाल दिया सब कर आपके चेहरे पर थोड़ी हवाई उड़ी हुई की बहुत सारा कीमती सामान है टूट ना जाए सब लेके जा रहे हैं साथ सब कुछ साथ लेके जा रहे हैं पहले कर दिया है सारा हमने और बाकी बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सब काम सही से हो जाए। तो यहाँ पर जो लोग हैं आखिरी क्षणों में यहाँ पर फोटोग्राफी भी कर रहे हैं और अब आप लोग कब तक यहाँ से निकलने का सोच रहे कितनी देर तैयारी है? हम लोग निकल ही रहे हैं बिल्कुल तैयार हैं। सामान वगैरह पहुँचा दिया आप लोगों ने? हाँ जी सब पहुँचा दिया सब अपना अपना पैक करके जहाँ जहाँ पहुँचाना था सब जगह पे पहुँचा। ऐसे लोग भी होंगे जो बीमार होंगे बुजुर्ग होंगे उनको आने जाने में जिनको दिक्कत हो रही है उनके लिए? नहीं वो सोसाइटी के लोगों ने बहुत अरेंजमेंट्स करे हैं सबके लिए ऐसा नहीं है दे हैव डन गुड जॉब। आसपास की सोसाइटीज में भी लोगों के पूरी वो करी है। आप लोग खुश हैं इस इमारत के गिराए जाने की वजह से? खुश होंगे
हमारे RWA ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, जिसकी मतलब मैं कहता हूँ ये इम्पॉसिबल लड़ाई थी। अगर आप देखो इतने बड़े बिल्डर से कुछ लोगों का लड़ना और इतनी बड़ी जीत के बाद हम बहुत ही खुश हैं। वी आर रियली थैंकफुल टू अवर जुडिशरी, अवर RWA। कुछ कहना चाहते हैं? बस यही है कि हम बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं कि जितना भी RWA ने किया है। कोर्ट के फैसले के बाद ये सब कुछ हो रहा है, कोर्ट के फैसले के बाद हो रहा है और सारे लोग मतलब सबको न्याय मिल गया है। तो ये प्रतिक्रियाएं हैं यहाँ पर जो रेजिडेंट हैं, जो लोग यहाँ के रह रहे हैं, आखिरी क्षणों में यहाँ आकर के फोटोग्राफी कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और इस बात से खुश हैं कि इस भ्रष्टाचार की इमारत का गिराया जाना, जिसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी इन लोगों ने, बेहद शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के। ऐसे में यहाँ से इन इमारतों को खाली करके कल तक के लिए फिलहाल ये लोग यहाँ से जा रहे हैं।